तो आज हमारे पास आया है सैमसंग का एक स्मार्टफोन जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका रिव्यू कि अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसमें जो है क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है, ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है निकुल ऑप्शनलाइज चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इसके नाम के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये है हमारा गैलेक्सी A10 स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी A10 स्मार्टफोन। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें इसके कैमरे के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको पीछे की ओर जो है 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिखाई देता है और दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा जो आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिखाई देता है। दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको Exynos 7884 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसमें के स्पीकर के बारे में तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक स्पीकर देखने को मिलता है पीछे की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसके पोर्ट्स के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है Micro USB पोर्ट दिखाई देता है, यहाँ पर आपको जो एक ऑडियो जैक मिलता है, यहाँ पर आपको माइक्रोफोन जैक मिलता है और दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपकी बात करें कीज की बटन्स की तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप बटन दिखाई देती है और वॉल्यूम डाउन बटन दिखाई देती है और आपको यहाँ पर जो एक पावर बटन दिखाई देती है। इसके स्क्रीन साइज की बात करें तो दोस्तों आपको जो इसमें स्क्रीन है यहाँ पर आपको 6.2 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पर बैक की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैक जो है प्लास्टिक का मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3400 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि काफ़ी कम बैटरी लाइफ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसके सिम स्लॉट की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 सिम स्लॉट मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये बैक है बैक निकलने वाला नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर जो है फुल कवर मिलता है और दोस्तों यहाँ पर आपको बैक प्लास्टिक का मिलता है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन के रैम रोम की तो दोस्तों आपको इसमें जो है 32 GB रैम रोम मिल जाती है। इसके प्राइस की बात करें अभी फिलहाल तो दोस्तों ये जो है फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाता है 8700 रुपये का और दोस्तों ये आपको अमेजोन स्टोर पर मिल जाता है 8999 रुपये का। दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी अच्छा दिखता है और दोस्तों इसके जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करें इसके कैमरा क्वालिटी की तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसी दिख रही है। यहाँ पर हम 2-4 फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पर बता देते हैं इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसी है। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो कैमरा क्वालिटी है कुछ इस तरीके से आपको कैमरा क्वालिटी दिखाई दे रही है। दोस्तों इसकी जो कैमरा क्वालिटी है 13 मेगापिक्सल कैमरे के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। मैं एक और फोटो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो सिंपली कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको फोटोज बता देता हूँ कि फोटोज कैसी आई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटोज दिखाई देती है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फोटोज के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने एक और फोटो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छी है, आपको फोटो क्वालिटी देखने को मिलने वाली है 13 मेगापिक्सल कैमरे के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पर आप जूमिंग देख सकते हैं, जूमिंग भी आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल कैमरे के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें फ्रंट कैमरे की तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ फोटो क्लिक कर लिए तो दोस्तों 5 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो फोटो से आपको कैसी देखने को मिलने वाली है। तो सिंपली मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ फ्रंट कैमरे से तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं इसमें जो फ्रंट कैमरे की आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है वो कैसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है इसकी थोड़ी क्वालिटी जो है डाउन है फ्रंट कैमरे की सेल्फी कैमरे की। तो यहाँ पर आपको जो सेल्फी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, इसकी जो क्वालिटी है इसलिए ज़्यादा डाउन भी आ रही है, ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है इसकी सेल्फी कैमरे की क्वालिटी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो ये वीडियो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये स्मार्टफोन मेरे पास आया था इसलिए मैंने इस पर जो है वीडियो बना दी। अगर दोस्तों आप एक मिड रेंज फ़ोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसकी जगह Poco C31 या Poco C3 ले सकते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है और दोस्तों उसका परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और दोस्तों बात करें उसके फोटो
क्वालिटी की दोस्तों फोटो क्वालिटी भी आपको काफ़ी मिल जाता है। बाकी अगर आपको एक ब्रांड चाहिए सैमसंग का दोस्तों आप ये ले सकते हैं उसकी जगह पर। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय जी।